दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसा इलेक्ट्रिकल बोर्ड को वायरिंग कैसा करना है वो बताना है वो बताने की कोशिश किया हूँ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे भी क्लिक कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को बार बार मिलती रहेगी। और दूसरी बात दोस्तों, मेरे चैनल पर हर तरीके की वीडियो, जैसे कि मैकेनिकल हो और RMC फील्ड में इलेक्ट्रिकल जानना बहुत ज़रूरी है, तो अपने फील्ड में और अपने घर में भी ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड का यूज़ करना ज़रूरी होता है, तो उसमें वायरिंग कैसा होता है आप भी कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि चार सॉकेट चार स्विच का वायरिंग कैसा होता है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा ही ये सेम मेथड आपके घर में भी ला के किए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप समझ जाओगे। देखिए, पहले जो बटन के नीचे तरफ है वहाँ पे एक पेस का लाइन मैं दे रहा हूँ, दोनों बटन चारों बटन को कनेक्ट करना है। देखिए तो क्या है, चारों बटन को हम लोग पेस का दे देंगे, पेस का देंगे तो आप ही उसके बाद में वो सॉकेट को सप्लाई कैसा करता है और सॉकेट को ऑन ऑफ कैसा करता है वो इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो कृपया एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, आप आधा मधा देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में दिक्कत आ जाएगा। पूरा देखेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो या आप भी करने की कोशिश कर सकते हो। पूरा ध्यान से देखो क्योंकि इलेक्ट्रिकल का चीज़ है दोस्तों, जब ध्यान से आप देखोगे तो ही समझ में आएगा। इसमें आधा अधूरी देखने से क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत भूल जाएंगे तो भी शॉर्ट सर्किट ये वो होने का चांसेस रहता है। यहाँ पे प्रॉपर देखिए, चारों बटन स्विच है, जितना भी स्विच है सभी का ऐसा ही वायरिंग कर्व होता है, लेकिन इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि चार सॉकेट चार स्विच का हम लोग वायरिंग कैसा करें। ठीक है, चारों स्विच का नीचे की तरफ से हम लोग इसका वायरिंग कर लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ से जो स्विच का दो दो टर्मिनल रहता है ऑन और ऑफ के लिए, जो आपका कंडीशन रहता है उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे वायरिंग कर लेते हैं। फिलहाल वो जो टर्मिनल है उसका स्क्रू लूज नहीं था, लूज करने के बाद नीचे के लाइन पे हम लोग वायर घुसा देते हैं, दोनों में ऐसा सेम। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए, क्या ताकि क्या है इलेक्ट्रिकल लाइन में जो है ना बहुत सीरियस रहना पड़ता है, और ये काम कोई भी कर सकता है। मान लो आपके घर में कोई नियम में इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला तो आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लो, ताकि आपको बार बार जब भी वायरिंग का याद आए तो आप बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अभी हो गया अपना पेस का वायरिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायरिंग, मतलब पेस का वायरिंग के लिए एक मेन निकालना पड़ता है, जो कि अपना जो मेन मीटर हो गया, और वायर कैसा जेंट करने का उसी उस तरह का हर वीडियो अपने चैनल पे है, वो एक बार देख लीजिए आप। वायरिंग और RMC का जो प्लांट के बारे में हो गया और सभी मैकेनिकल के बारे में अपने चैनल पे वीडियो आपको मिलेगा, और आप किस तरह का वीडियो चाहते हो कमेंट में बताइए, मैं उस तरह वीडियो आपको बना के भेजता रहूँगा। देखिए यहाँ पे नीचे के लाइन से हम लोग एक पेस वायर निकाल के छोड़ देंगे, ताकि यहाँ पे डायरेक्ट मीटर से या आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से MCB से भी ला के डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये बोर्ड ना आउटसाइड में यूज़ करना है, तो इसके लिए हम लोग एक पेस और एक न्यूट्रल वायर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अर्थिंग भी चाहिए तो निकालेंगे, वो लास्ट में बताऊंगा कि कैसा अर्थिंग करना है। ठीक है, ये अभी क्या है, लास्ट में एक पेस वायर बाहर निकाल दिए, वहाँ पे एक वायर जो मीटर और MCB से ला के हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम करते हैं, अभी अपना बोर्ड में पेस तो आ गया, अभी हम कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल। दोस्तों सॉकेट ये चीज़ है, सॉकेट को न्यूट्रल और पेस दोनों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सॉकेट से बल्ब चलाओ या कोई भी मशीनरी चलाओ, कुछ भी चलाओ, आपके जो घर में जो भी उपकरण है, जो भी मतलब जो यूज़ करना चाहते हैं सॉकेट में चलाते हैं, उसको पेस और न्यूट्रल का रहना ज़रूरी है। अभी हम लोग बटन इसलिए लगाते हैं कि उसको ऑन ऑफ करते रहे, तो अभी फिलहाल मैं वो बटन कैसा कट ऑफ होता है वो आपको बाद में समझाता हूँ 2 मिनट के लिए। अभी हम लोग सभी सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, पेस न्यूट्रल इस सिंगल पेज में कोई इतना मायने नहीं रखता है, आप चाहिए तो पेस भी सॉकेट के दे सकते हो, न्यूट्रल भी सॉकेट्स के दे सकते हो, कोई नहीं, लेकिन एक ही जगह दोनों मत देना ताकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सभी सॉकेट को लूप करके, जैसा बटन को नीचे का तरफ जो बटन है, दोनों बटन को नीचे की तरफ दो दो लूप करके दिए हैं, वैसा ही सभी सॉकेट को आप लोग न्यूट्रल करके दे सकते हो उसको। यहाँ पे थोड़ा वायर अच्छा वाला लिया हूँ, ताकि इसमें हम लोग ब्रेकर वगैरह चलाने वाले हैं तो थोड़ा मोटा हो रहा है, जाने को दिक्कत हो रहा है, लेकिन जाना ही पड़ेगा, लूज कलेक्शन ना हो, तो इसलिए प्रॉपर पकड़ के इसमें अंदर टर्मिनल के अंदर जाएगा, तो पकड़ के ही स्क्रू उसका टाइट कर दीजिए, ताकि क्या है
लूज ना हो। लूज रहेगा तो स्पार्क होगा, फिर वायर जलेगा, फिर अपना जो मोटर है वो सब जो सामने का जो भी है वो जल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरह वायरिंग आप कर सकते हो। उसके बाद में ये दोनों सॉकेट को भी सेम हम लोग न्यूट्रल कनेक्शन दे सकते हैं दोस्तों। और कोई भी बंदा अगर कनेक्शन कैसा देना है या कंफ्यूज में रहता है तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करके रखिए, ताकि उसको भी मदद मिल जाए कि बाई चांस भाई कोई इलेक्ट्रिशियन बंदा आपको नहीं मिला, तो इसकी वीडियो को आप देखते देखते आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे से इस वीडियो को देखते देखते आपको एग्जैक्ट प्रॉपर मतलब पूरा प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि स्विच बोर्ड का वायरिंग होता कैसा है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सभी जो सॉकेट है अपना उसको सभी को हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन दे रहे हैं। देने के बाद न्यूट्रल एक बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे लास्ट बचा है, यहाँ से भी कट करके हम लोग न्यूट्रल बाहर दे देंगे। और दोस्तों इसके बाद में आता है ट्विस्ट, मतलब जो भी अपना अभी सॉकेट को न्यूट्रल तो चला गया लेकिन पेस नहीं आया, मतलब खाली न्यूट्रल से नहीं चलेगा अपने जो आगे का जो भी उपकरण रहेगा, इस्त्री रहेगा, आयरन रहेगा, जो भी स्विच रहेगा, पेस नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। लेकिन पेस डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट देगा तो बंद नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग स्विच उसको यूज़ करते हैं। तो स्विच के कट ऑफ से हम लोग इसको कलेक्शन करना है, वो कैसा करना है अभी आपको समझाऊंगा। बहुत इजी मेथड है, आप ध्यान से देख लेंगे तो आप भी कभी भी वायरिंग इसका कर सकते हैं बिना टेंशन के। देखिए, अभी चारों सॉकेट का न्यूट्रल अपना चला गया, देख लीजिए, न्यूट्रल और पेस का वायर बाहर निकाल दिए हम लोग। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट एमसीबी से कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है, एमसीबी हो गया, मीटर हो गया, लेकिन सिंगल पेस वायर है, ये दोनों हम लोग निकाल दिए अभी। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको अपने को कट ऑफ देना है। यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से पूरा चारों सर्किट को न्यूट्रल पास हो गया। अभी अपना जो पेस है वो भी पूरा अच्छे से पास हो गया, देखिए चारों स्विच में पेस आ गया। लेकिन लेकिन अभी आगे क्या करना है, जो स्विच बचे हैं, हर एक स्विच में दो दो टर्मिनल रहता है, तो एक स्विच में आगे का टर्मिनल जो है उसको हम लोग सॉकेट का एक टर्मिनल पे, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड कौन सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगल पेस में सिंगल पेस में कौन सा भी तरीका नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपने को याद रखने के लिए राइट साइड पेस देगा तो सही रहेगा, क्योंकि राइट अपना हाथ रहता है तो टेस्टर हमेशा राइट साइड पकड़ते हैं, तो राइट साइड टेस्ट आउटसाइड में चेक करने को, बॉक्स में स्विच बोर्ड में चेक करने को पेस है क्या नहीं, तो राइट साइड पेस देना सही मेरे को लगता है। ठीक है, आप जैसा भी दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दो कि अभी कट ऑफ कैसा होता है मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो स्विच का ऊपर का टर्मिनल है वहाँ पे इसका पेस दे देते हैं। अभी बटन ऑफ रहेगा तो जो अभी वायर कनेक्शन कर रहे हैं उसमें पावर सप्लाई नहीं आएगा और सॉकेट में नहीं जाएगा। जब बटन ऑन कर देंगे तो उसमें पावर सप्लाई जाके उस टर्मिनल को, मतलब वो सॉकेट को पावर सप्लाई, पेस और न्यूट्रल दोनों चला जाएगा। उसी तरह सेम सेकेंड अपना सॉकेट को भी करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? लाइक करो ये वीडियो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको प्यार से, मतलब ध्यान से, मतलब जो भी मोटिवेशन मैं दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए इस वीडियो को देखते अपने स्विच बोर्ड को वायरिंग कैसा करना है, बहुत आसान है। देखिए, अभी सेम जो प्रोसीजर है, सभी सॉकेट को एक एक टर्मिनल बचा हुआ है, एक एक टर्मिनल को हम लोग कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वायरिंग का वीडियोस है, और कोई जॉब के बारे में भी वीडियोस है, और मतलब मैं इस फील्ड में बहुत साल पुराने से हूँ। आपको किस चीज़ का नॉलेज चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताएगा, तो उसका रिप्लाई मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम भी कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कीजिए, कुछ इमरजेंसी मतलब कोई भी काम का, कोई भी इलेक्ट्रिकल का, आरएमसी का कुछ भी जानकारी है चाहिए तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे दोस्त मेरे को रिप्लाई मतलब मैसेज करते हैं तो मैं ज़रूर उनको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अभी तो कोई मेरे चैनल से या मेरे कमेंट से कोई निराश नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं भी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको भी मदद ज़रूर मिलेगा, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा,
और आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके रखेंगे ताकि आपको ज़रूर वो किसी दिन वायरिंग करने में मदद ज़रूर आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आप भी कोई भी बंदा, अपना जो दोस्त लोग है, अपना जो ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सीखना रहता है या कहीं भी वायरिंग करना ज़रूरी रहता है, किसी को भी ये चीज़ ज़रूर पड़ता है कि किसी दिन कोई नहीं मिला, चलो मैं करता हूँ, तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लो अपना ग्रुप में या किसी के पास, ताकि क्या है, आप जो भी वायरिंग करना पड़ेगा आपको, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए सभी पेस सभी न्यूट्रल कैसा देना है, ईजी वायरिंग है, तो आपको मदद मिल जाएगा इस वीडियो से, यही आपसे उम्मीद है। और इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अर्थिंग कैसा देना है, अर्थिंग क्यों देना है। देखिए अर्थिंग, अगर अर्थिंग आपको चाहिए, इस बोर्ड को अगर अर्थिंग देना चाहते हो, तो मान लो ऊपर के इस सॉकेट से आप, यानी कि जो थ्री प्लग वाला मशीनरी जो किस में रहता है, मान लो आपका आयरन इस्त्री में रहता है, या दूसरा कोई ब्रेकर यूज़ किया, या मतलब मिक्सर यूज़ किया, जो भी थ्री मतलब तीन प्लग वाला जो आपका इक्विपमेंट रहता है, उस चीज़ को आप अर्थिंग यूज़ करो। सिंगल पेस को कोई ज़रूरी नहीं कि बल्ब यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं, सिंगल पेस एक पेस और न्यूट्रल चाहिए बस, उसको अर्थिंग का ज़रूरी नहीं पड़ता है। जो भी जो चीज़ हेवी चीज़ रहता है, उसका बॉडी अर्थिंग रहना ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से बचता है, इसलिए अर्थिंग ज़रूरी है। दोस्तों मेरे चैनल पे ऐसे ही अर्थिंग कैसा बनाना है उसका भी एक वीडियो है, वो भी आप एक बार लिंक में डिस्ट्रीब्यूशन में दे दूंगा, वो भी एक बार आप चाहे तो देख लीजिए कि अर्थिंग कैसा बना है, अपना घर का हो या अपना कंपनी का हो, कहीं पर भी अर्थिंग कैसा बनाते हैं उसको भी एक बार आप देख लीजिए। देखिए जैसे कि सभी सॉकेट को अपने को पेस का सप्लाई मिल गया, वो भी स्विच के थ्रू, मतलब जैसा स्विच बंद करोगे तो सॉकेट में पेस नहीं जाएगा, स्विच चालू करोगे तो सॉकेट में पेस जाएगा, इसलिए हम लोग स्विच का वायरिंग कर देते हैं। अभी फिलहाल ये पेस और न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो गया, चाहिए तो एक बार काउंट देख लीजिए, सभी के स्विच के नीचे की तरफ पेस चला गया, उसके बाद में अपना जो पेस बाहर निकल गया उसमें न्यूट्रल पूरा सॉकेट को पहुंच गया है, उसके बाद में अपना जो कट ऑफ है सभी सॉकेट को कट ऑफ मिल गया है, यानी कि स्विच की तरफ से, स्विच ऑन ऑफ करने से यूज़ होगा, उसकी तरफ से सभी की तरफ से कट ऑफ मिल गया है। तो उसके बाद में दोस्तों ये वायरिंग यहाँ पे अर्थिंग यहाँ पे देना पड़ता है अपने को, अगर मैं बोला ना आपको जो हेवी चीज़ यूज़ करते हैं तो अर्थिंग यहाँ पे देना पड़ता है। अर्थिंग चाहिए तो वहाँ पे कनेक्शन करके सभी चारों को कनेक्शन करके एक बार बाहर निकालेंगे तो आपको इजी रहेगा। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, शुभ दिन, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।